It's open and shut case. Suicide here. It's not that simple, sir. वहाँ नीचे एक सेफ्टी नेट थी जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए रखी गई थी. गिर के तो वो नहीं मर सकता. तो मरा कैसे? गोली से. क्या देखा तुमने उस वक्त? मैं नीचे काम कर रहा था, एक आवाज आई तो मैं ऊपर मुड़ के देखा तो एक जाली पे आदमी गिर गया. गिरा तो मर्डर हुआ. किसने मार के फेंका उसको? नॉट एग्जैक्टली सर, मैं आपको बता रहा हूँ. ये बिल्डिंग है, अब यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये ऊपर से कूदता है, नीचे नेट है जो दिखाई नहीं देती. अगर ये कूदता है तो ये परफेक्ट सुसाइड हुआ, लेकिन वो गिर के नहीं गोली से मारा है. तो गोली कहाँ से लगी? यहाँ फिफ्थ फ्लोर से. लेकिन इत्तेफाक से सर टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि फॉरेंसिक के हिसाब से वहां से कोई जज करके शूट कर नहीं सकता है. सर सोचने वाली बात है, किसी का ऊपर से गिरना और किसी का वही बिल्डिंग से गोली चलाना एक टाइमिंग पे हो ही नहीं सकता, सिर्फ रजनीकांत कर सकता है. तो इसका मतलब सर गोली चलाई नहीं गई है, चल गई है. इट वॉज एन एक्सीडेंट. सही बात है, इस तरह से कोई अंदर से नहीं मार सकता. तो घर में इन्वेस्टिगेट किया? ये अलग कहानी है सर. यहाँ एक संकी बुड्ढा रहता है जो अपनी बीवी को रोज खाली करने के लिए हालांकि घर ऐसे नहीं पर ये तो रोज का नाटक है. उस दिन घर भरा कैसे है? इसमें कैच है सर, गन्स पे जो फिंगरप्रिंट मिले मैगजीन पे वो किसी और के, और ये बात कंफर्म है. अभी नया कैरेक्टर? सर उनका एक बेटा है, उसी ने बोला. क्यों बेटा ने क्यों मारा? उसको तो पता होगा माँ बाप इसी तरह का लड़ता रहता है. अच्छा ऐसा ऐसे मरना किसी और को चाहता था, मर कोई और गया, लेकिन मर्डर मर्डर ही है. बेसिकली सर इसकी माँ ने इसको अय्याशी के लिए पैसे देना बंद कर दी थी, और आपको तो पता ही आजकल के नौजवान नशे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. जो भी है केस तो मर्डर के लगना है. जा ढूंढ लड़ते. इंतजार किस बात का कर रहा है? वही तो सर समझ नहीं आ रहा कि केस क्लोज कैसे करना है. वो लड़का इस इंतजार में रहा कि कब बाप गन चलाए और कब वो गोली मां को लगे. वही इंतजार उसका फ्रस्ट्रेशन में बदल गया और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में, और ये कभी हुआ ही नहीं.